अस्सलाम वालेकुम भाई लोग एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो आई होप आप लोगों की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी बोरिंग चल रही है यार। मैं क्योंकि थोड़ा अपने आप को लेज़ी डल महसूस कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। और तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों को कहीं घुमाने लेके चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ज़िला रावलपिंडी के तहसील टैक्सिला के करीब 12 घंटा वहाँ रहता हूँ। और टैक्सिला मेरे घर के तकरीबन साथ ही, बल्कि आप समझें मैं टैक्सिला में ही रहता हूँ एक किस्म का। तो आपको ये भी आपने सुना होगा कि टैक्सिला एक कदीम शहर है अगर आप पाकिस्तानी हैं। अगर आप पाकिस्तानी नहीं भी हैं तो काफ़ी टूरिस्ट भी वहाँ आते हैं। आपको जैसा कि तकरीबन 1000 साल पहले या कितने साल पहले, मुझे अब सही पता नहीं है यार, 10th में पढ़ा था आखिरी दफ़ा, उसके बाद भूल गई हूँ। तो वहाँ पर गंधारा सिविलाइजेशन के लोग आबाद थे। तो आज हम जाके देखेंगे कि कैसे वो लोग आबाद थे और उनके जो आसार कदीम हैं वो जाके हम देखेंगे। तो चलते हैं वहाँ पर। लेकिन उससे पहले इस सफ़र में मेरे साथ हैं अब्दुल मोइज़। इधर आओ भाई, आप बहुत लंबे हैं, थोड़े से झुकते हैं। ये अब्दुल मोइज़ मेरे साथ है। हाँ, पूरी कवरेज है। ये अब्दुल मोइज़ खान साहब आज मेरे साथ सफ़र में मेरा साथ देंगे। तो अभी 9:45 हो रहे हैं और निकलना जर क्या है, नहीं ये गुस्सा नहीं भाई, गुस्सा वो अभी 9:45 हो रहे हैं और जल्दी से निकलते हैं और अपना सफ़र का आगाज़ करते हैं। हाँ तो भाई लोग, हम जा रहे हैं इस टाइम टैक्सिला म्यूज़ियम की तरफ और हम बैठे हुए हैं अभी रिक्शे में। और बाइक का हमारे पास अरेंजमेंट नहीं था तो हमने कहा कि प्राइवेट ही सफ़र करेंगे और रिक्शे से अच्छा सफ़र हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि गाड़ियों में धक्के मुक्के लग के जाया नहीं जाता, रिक्शे में सबसे बेस्ट सफ़र होता है। तो चलते हैं और आपको टैक्सिला म्यूज़ियम दिखाते हैं। हाँ जी, तो भाई हम लोग आ गए हैं टैक्सिला म्यूज़ियम में और ये हमारे पीछे म्यूज़ियम है और इसमें अभी हम यहाँ से घूम के जाएंगे। और आसपास बड़े खूबसूरत गार्डन बना हुआ है यहाँ पर, तो क्या मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये म्यूज़ियम का अहाता है पूरा, चारों तरफ गार्डन है और वो म्यूज़ियम है वो जहाँ पर लोग जा रहे हैं। तो बस अभी हम भी अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे ये कैसा है म्यूज़ियम अंदर से। भाई लोग, तो हम लोग म्यूज़ियम में आ चुके हैं और ये पीछे बहुत बड़ा म्यूज़ियम है आ रही है, ये चेक करें। तो मैं आपको अभी सारी चीज़ें इनकी दिखाऊंगा वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी, पहले हम आए हैं ये जॉ ऑफ एन एलिमेंट्स सीरी का, ये हाथी का जबड़ा है यार, इतना बड़ा होता है। और हाथी दांत हड्डी से का सामान, ये उस दौर की सामान है जो जिस टाइम यहाँ पर गंधारा वैली सिविलाइजेशन थी और उस टाइम ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करते होते थे। और ये इनके औजार हैं, मुझे ये दिखा ज़रा, ये इनके औजार है जो वो लोग यूज़ करते थे। क्या बात है यार। और आगे आ जाओ यार, ये इनके खिलौने हैं। मसलन आप क्रिएटिविटी चेक करें, उस टाइम भी ये लोग किस तरह की क्रिएटिव चीज़ें बनाते थे और ऐसी चीज़ें अब बहुत कम लोग बना सकते हैं ये। और ज़्यादातर आप एक बात नोट करेंगे कि इनके टॉयज़ में इनकी अपनी सकाफत नज़र आती है, जो इनका कल्चर था वो इनके टॉयज़ में नज़र आता है। जैसे इनके ये घोड़े हो गए, ये हाथी का जो एक पीछे इन्होंने रेड़ा बांधा है, ये मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊँ, ये देखें। उस ज़माने में भी वाटर कंडेंसर इस्तेमाल होता था और इनकी ये चेक करें इन्होंने किस तरह बनाया हुआ, ये आप चेक करें, वाटर को कंडेंस करने के लिए इन्होंने कितनी ज़बरदस्त टेक्निक का इस्तेमाल किया और चेक करें किस तरह बनाया हुआ। ज़माने में जो लोग सोने का काम करते थे, जो सुनार होते थे, उनके लिए उनके ये औजार आप देखें, ये औजार हैं उनके जो वो अपने प्रोफेशन में यूज़ करते होंगे। ये यहाँ की जो एग्रीकल्चर की एक, मैं कहता हूँ आपको पता लगेगा उनकी किस तरह वो एग्रीकल्चर करते थे, ये उनके किसानों के औजार हैं। मुझे इस म्यूज़ियम में सबसे अच्छी बात ये लगी कि किस तरह हमारे पाकिस्तान के लोगों ने अपनी
جو آثار قدیم ہیں ان کو سنبھال کے رکھا ہے اور ان کا اتنا خیال کیا ہوا ہے کہ جیسے وہ پہلے تھیں آج بھی وہ اسی حالت میں موجود ہیں. تو کریڈٹ دینا چاہیے ہمارے جو آثار قدیمہ کے جو لوگ ہیں ان کو. تو جی آئے آپ چلتے ہیں دوسرے سیکشن میں. تو دوسرے سیکشن میں یہ تمام اس زمانے کے بت ہیں تو جو نکالے تھے آپ اور یہاں پر میوزیم ہے. اب اس بارے میں کافی افواہیں ہیں کہ جو اوریجنل ہے وہ یہاں سے چلے گی یا اوریجنل یہ ہی اوریجنل ہے. تو اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن جو بھی ہیں یہ دیکھنے میں تو اوریجنل ہی لگ رہے ہیں. یہ جو بہت مشہور ایک کیریکٹر بدھا یہ ان کا اسٹیچو ہے مہاتما بدھ کا جس کو بدھسٹ لوگ جس کی پوجا بھی کرتے ہیں اور یہ ان کے اسٹیچوز ہیں سارے. سب سے بڑا اسٹیچو ہے وہ یہ ہوتا ہے اس کا سر غائب ہے یہاں سے اور زیادہ تر بتوں کے یہاں پر سر غائب ہے. یہ پتہ نہیں کیا لاجک ہے ان کی ٹوٹ گئے ہوں گے نا مٹی کے سروں کا. کافی ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پر لوگوں کو بڑا جستجو ہوتی ہے تو وہ لے جاتے ہوں گے. کچھ بتوں کے سر بھی ہیں تو انہوں نے سارے بتوں کے سر توڑ کے یہاں لگے ہوئے ہیں. یہ تمام بتوں کے سر لگے ہوئے میرے خیال سے سب سے بڑا سر یہی ہے اور یہی میرے خیال سے اس بت کا سر ہے جو سب سے بڑا بت ہے. اور مجھے یہاں پر دکھانا یہ وہ اسٹیچو ہے جس پہ انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ جب جو بدھا تھا اس کی موت کیسے ہوئی تھی اور یہ ساری انہوں نے منظر کشی کی ہوئی ہے اس کی. اور یہ ہے میرے نام سے جو جس کو دیکھنے لوگ آتے ہیں مہاتما بدھ کا یہ سر ہے اور یہ ایسی شکل ہوگی ان کی اب پتہ نہیں کیا ہے ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں. یہ ان کا ایک مندر ٹائپ بنا ہوا ہے میرے خیال سے. ہاں یہ مندر ٹائپ ہی ہے جس کی انہوں نے بنائی ہوئی ہے ساری سینری. اور یہ پھل کیسے لائیں گے یار کرینوں سے رکھا ہوا ہے مجھ کاریگر لوگ ہیں یہاں پہ میں کیا پتا. لک ایٹ دیٹ فیس. کریں کہ انہوں نے بدھ کو جب وہ عبادت اپنی کر رہا ہوتا تھا اس میں اس کی ایک منظر کشی کی. اور چیک کریں کہ اس ٹائم کے لوگ کتنے ٹیلنٹڈ تھے کہ انہوں نے دیکھیں یہ پتھر تراشی کام کوئی آسان کام نہیں اور انہوں نے کتنی صفائی سے کیا ہے. اور آج بھی ٹیکسلا کے لوگ اسی کام کی وجہ سے جانے جاتے ہیں کہ یہاں پر سنگ مرمر کا کام بہت زبردست کیا جاتا ہے یہاں پر جو پتھر تراشنے کا کام بہت زبردست کیا جاتا ہے. تو آپ کو وہ بھی دکھائیں گے. ذرا میں آپ کو ایک زبردست چیز کہوں یہ کہہ رہے ہیں یہ اس زمانے کا فاؤنٹین ہے اور ابھی بھی آپ ماڈرن زمانے میں دیکھیں تو ایسے ہی فاؤنٹین تیار کیے جاتے ہیں. اور یہ تقریباً یہاں سے ہزاروں سال پہلے گئے تو اس ٹائم بھی ڈیزائنز اور اسکلپچر سارے اتنے ورسٹائل طریقے سے ہوتے تھے. کیا بات ہے دیکھیں یہاں پر انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو سدھارتھ تھا ان کا کوئی ہوگا کہ کوئی مقدس ان کا بندہ جس کی برتھ کیسے ہوئی تھی. تو یہ سارا اس میں رنگ ہے مجھے تو کھانا ذرا کر لیجیے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یہاں پر آیا تھا جس کی اور ایسے ہی انہوں نے یہاں پر لگا دیا اس کو بھی اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی. تو جس حالت میں دریافت ہوئے تھے اسی حالت میں یہاں پر سکے. یہ آپ دیکھیں یہ پورا اسٹیچو ہے بدھا کا
ये एक वाहिद स्टैचू है जो बिल्कुल सही हालत में, बाकी किसी का सर नहीं है या थोड़े से कोई खराशें वगैरह लगी हुई हैं ऊपर। ज़हरी बात है जब उन्होंने निकाले होंगे तो कुछ ना कुछ मसला हो गया होगा या ख़राबी होगी होगी। तो ये एक वाहिद है जो सही सलामत बिल्कुल साबुत यहाँ पर मौजूद है। अब हम उस सेक्शन में जहाँ पर इनकी करेंसी दिखाई गई है, या आप चेक करें कि उस ज़माने में ये करेंसी भी होती थी और ये सिक्के हैं। सारा म्यूज़ियम मैंने आपको जो जो चीज़ें यहाँ पर दिखाने वाली थी मैंने आपको सारी दिखा दी हैं। और ये एक जनरल व्यू है पूरे म्यूज़ियम का, जो आप देख सकते हैं कि टैक्सिला में कितना बड़ा म्यूज़ियम है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप टैक्सिला या वाकैंड या रावलपिंडी हैं तो इस म्यूज़ियम का लाजमी विज़िट करें। कुछ नहीं तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आपको उस टाइम की जो सिविलाइजेशन है गंधारा की उसके बारे में जानने का काफ़ी मौका मिलेगा। हाँ तो जी, कैसा लगा आप लोगों को म्यूज़ियम कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। तो ये था टैक्सिला का म्यूज़ियम और आपको मैं जल्दी से एक रिव्यू दे दूँ कि कैसा था। देखें भाई, मानना पड़ेगा उस टाइम के लोगों को। देखें, बेशक वो अपनी तरफ से एक बहुत पीछे ज़माने में थे, हमें लगता है यार कि वो कितने पुराने मसल ना मॉडर्निज्म ना कुछ, लेकिन फिर भी हर फैसिलिटी उनके पास थी। आप कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हम यूज़ करते हैं और वो ना यूज़ करते हैं। इंटरनेट के अलावा हम सिर्फ इंटरनेट यूज़ करते हैं। हमने बहुत बड़ा तीर मारा है, हम इसी पे खुश हो सकते हैं सिर्फ। तो मैं कहता हूँ कि दाद देनी चाहिए उस टाइम के लोगों को कि उस टाइम के लोग इतने टैलेंटेड थे और इतने क्रिएटिव थे कि बग़ैर उन्होंने किसी भी, जिस तरह हमारे पास देखिए कितनी फैसिलिटीज़ हैं कितनी आसानियाँ हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेहनत पे और इतना बड़ा शहर खड़ा किया, फिर उसमें इतनी ज़बरदस्त चीज़ें उन्होंने बनाई। और जिस तरह उनकी मैं देख के आया हूँ, मैं तो होश उड़ गए मेरे के, ऐसे लोग पहले जिंदा थे। तो अब हम जाएंगे उस जगह जहाँ से ये सारी चीज़ें आई हैं, यानी कि वो जगह जहाँ पर इस शहर के कुछ मसलन जो कदीम शहर है, इस शहर के कुछ आसार थे और जिसको लोग अक्सर टैक्सिला के खंडरात भी कहते हैं। तो अब हम वहाँ जाएंगे, तो चलते हैं वहाँ और आपको दिखाते हैं कि कैसा था वो शहर और क्या है टैक्सिला के खंडरात। जी हम आए हैं सिर कप के शहर पे। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये सारा पहले शहर होता था जो तीन दफ़ा गर्क हो चुका है ज़मीन में। और इस जगह पर जैन स्टूपा टेंपल होता था, जो आप देखें कि ज़मीन में पूरा धंस चुका है, बस ऊपर ऊपर से ये देखें नज़र आ रहा है जो है। तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और हमारे साथ ये अंकल भी हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था और कैसे यहाँ पर लोग बने। अंकल ज़रा हमारी मालूमात में थोड़ा इजाफा करें। ये टैक्सिला शहर है, तीन दफ़ा गर्क हुआ सिर का जी। तो आर्मस्ट्रांग ने इन पर फायर किए हैं। अच्छा, हिस्ट्री में ये इस वजह से ये गर्क हुआ है टैक्सिला तीन दफ़ा। अच्छा, तो यहाँ पर कौन कौन से लोग रहते थे पहले? ये इधर ग्रीक पेंथियन शाखा तीन कौमें गुजरी हैं। तीन कौमें गुजरी हैं ये। तो ये कितने साल पुरानी जगह है? ये 2100 साल। 2100 साल जी। देख सकते हैं आप, ये पहले पूरा शहर था इधर आगे तक, और अब देखेंगे सारा ज़मीन में धंस चुका है। तो
ये मैं कह सकता हूँ कि हिस्ट्री है और हमारी आसार कदीमा की एक बहुत बड़ी ये निशानी है और लोग आते हैं यहाँ पर, जिससे हमारे लोगों की नॉलेज में इजाफा होता है और उनको एक जानने को मिलता है कि पहले कोई ऐसे शहर भी थे जो बात जो अब बिल्कुल नहीं है, जिनका नामो निशान भी नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग भाई लोग, हम जिस चीज़ पे आज मैं खड़ा हूँ इसको कहते हैं डबल हेड ईगल स्टूपा, और ये उस कदीम ज़माने के कुछ आसारों में से एक निशानी है जो आप देख सकते हैं। ये पहले टेम्पल होता था जो अब ये भी ज़मीन में धंस चुके हैं, और अभी सिर्फ इस शहर की 20% खुदाई हुई है जिसके बाद ये चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं। अभी 80% खुदाई रहती है, 5 किलोमीटर पे ये शहर फैला हुआ है। और ये वो आप सामने पहाड़ देख सकते हैं, वो पहाड़ भी शहर के अंदर आता है। और ये जो इन जो बुद्धिस्ट की ये जो एक आप कह सकते हैं यहाँ पर सल्तनत थी जो भी थी उसका ये कैपिटल है। तो ये आप देखें सिर्फ कुछ आसार ही बचे हैं शहर के, बाकी सब कुछ यहाँ पर फना हो चुका है। वैसे अभी हम किधर आए हैं यार? यार इधर जिधर भी आए हैं मुझे झूलों की आवाजें आ के डर लग रहे भाई। यार वह है तो बड़ी सुनसान जगह यार, और नीचे देख ले यार लगातार झूले कोई खा रहा है यार एक दो। ऐसे पहले तो झूले खाते कैसे हैं? ओ यार झूले ले रहे यार जो भी है लोग। तो अभी हम आए हैं धर्माराजी का स्टूपा पे। यार ये कोई इतनी सुनसान जगह है ना, तो मुझे कंफर्म लगा रहे यहाँ पर कोई जैन वगैरह में लाजमी एक आदमी मिल जाएगा, और मोइस की तो अभी से गरक होना शुरू होगी। यार तो आप लोग इधर देखें ना तो आपको पता लग जाएगा आप आए। आप चेक करें पीछे सारा वीराना है, बस जो इनकी केयर टेकर्स हैं वो फेरे। वही तो जी हम आ गए हैं एक और जगह पर, ये है वो स्टूपा टेंपल जो देखें उन्होंने शेल्टर में किया। वैसे मेरे ख्याल से देखें हर बंदे की अपनी अपनी राय थी, मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी इसकी मरम्मत नहीं करनी चाहिए, इसको वैसे ही रखना चाहिए जिस हालत में दरियाफ्त होते हैं। वो ठीक है कि इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत कर रहे हैं ताकि ये कायम रहे, लेकिन वो फिर इसमें बात नहीं रहती, वो फील नहीं रहती इस चीज़ में। तो मेरे ख्याल से इनको मरम्मत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इनको जिस हालत में ये दरियाफ्त होते हैं उसी हालत में इनको रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर ये छोटा छोटा बुद्ध बने, और ये एक जगह आप देख सकते हैं ये भी एक इनकी मेजर टेंपल था जिसके ऊपर ये पत्थर वगैरह लगा दिए उन्होंने, और बिल्कुल ये जो नीचे वाली जगह थी यहाँ तक मेरे ख्याल से वैसे ही जो है एंशियंट है, बाकी सारा ऊपर ये पत्थर वगैरह उन्होंने नए लगाए हैं। तो आप ये देख सकते हैं। तो भाई लोग एक और जगह यार, ये देखने में जगह मुझे ना मेरी जगह इस जगह पर मेरी ज़्यादा फोकस कम है, और मुझे यहाँ पर ना जो खामोशी है और जो खौफनाकी सी यहाँ पर महसूस हो रही है ना, मुझे उस चीज़ पे मेरा ज़्यादा फोकस है। तो थोड़ी बात होती थी, ये एक और चैपल है यहाँ की, और यहाँ पर ये देखें बुद्ध वगैरह बने हुए हैं। मैं अंदर और आगे 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 ये दिखा रहे हैं यहाँ पर बुद्ध बने हुए। ये पाँव देखें आप लोग, ये दो पाँव, और ये मुझे लग रहा है कि बिल्कुल इनकी असल हालत नहीं है, इस भी इसकी कोई केयर टेक नहीं है। ये अच्छी बात है इसलिए भाई लोग, हमें तो सिर्फ शक था ना, हमने लेकिन अभी कंफर्म कर लिया कि जो ये दो दरख्त है ना, ये पीपल का और एक बोर का, इन पे वाकई साए हैं जिन्हों के। वो कह रहे हैं कि तकरीबन इस टाइम तो नहीं लेकिन शाम जैसे जैसे शाम होती है इसके ऊपर जो चीज़ें हैं ना इनकी वो आ जाती है, फॉर्म में आ जाती हैं, और हमारे इस टाइम जो है ना हम आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई लोग। तो इस जगह पर जो मोटी मोटी चीज़ें दिखाने वाली थी वो मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। बाकी ये जिस तरह मैंने आपको वो सिरी कप का शहर दिखाया था, वहाँ पर जो दीवारें वगैरह बनी थी वैसी है ये शहर ये भी। तो हम यहाँ से जल्दी जा रहे हैं क्योंकि क्यों सच बताता हूँ यार, हमें हल्का हल्का डर लगने लग गया, पता नहीं क्यों भाई बात डर की नहीं है, हमें इस तरह भी महसूस भी होना बहुत कुछ होना शुरू हो गया, किस तरह हमें लगा भी यार। देखें इस वजह से वैसे हम इतना कोई खास डरते नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, ये साथ बंदा ये है ना, शाह जी होते हैं, शाह जी डराते नहीं है, बंदे को डरा देता है,
ये ऐसी थोड़ी झूलों की आवाजें देख के और जो अभी पत्ते ले थे ना वहां से डर ये थोड़ी थोड़ी बातें इस तरह ही कर रहा है कि वो देख सभी वहां क्या हो रहा है वो देख वो क्या खेल रहा है वो देख वो क्या कर बंदे को फिर डर लगना खुद ब खुद शुरू हो जाता है अगर नहीं भी लग रहा हो तो बस अब हम जा रहे हैं मुझे बात सुन देख डर अपनी जगह है लेकिन भूख लगने लगी है मुझे तो खाने पीने के बगैर तो भाई व्लॉग इनकम्प्लीट बिल्कुल तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने और कोशिश करते हैं कि एक जगह मेरे माइंड में वहाँ जाएं अगर वहाँ ना जा सके तो फिर जो किस्मत में हुआ दाना पानी वो जाएगा हमारे पेट में तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई लोग मैंने भी ऊपर देखा अंग्रेज़ भी कुछ आए हुए थे घूमने फिरने तो यार ये काफ़ी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एक हमारे पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज आ रही है और लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए आ रहे हैं इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आ रहे हैं और यही अंग्रेज़ जब बाहर जाएंगे तो अपने लोगों को बताएंगे कि भाई पाकिस्तान में भी ऐसी जगहें हैं तो और लोग आएंगे पाकिस्तान में घूमने फिरने और इस तरह की चीज़ देखने तो पाकिस्तान में भाई टूरिज़्म प्रमोट होगा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए जैसा कि हमारे पीएम साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिस्ट को आना चाहिए और टूरिज़्म प्रमोट करना चाहिए तो इस तरह ही होगा तो जी भाई लोग हम लोग आए हैं चपली कबाब खाने और भूख लगी होती है ना तो कुछ नहीं सोचता क्या खाने मैंने सोचा हुआ था कि हम जोलियाँ जाएंगे चपली कबाब खाने लेकिन वहाँ पर कोई रक्षा वाला जा ही नहीं रहा था वहाँ पर सारे वैगने जा रही थी लेकिन हमारा जाने का दिल नहीं किया फिर हमने कहा कि जोलियाँ किसी दिन बाद चले जाएंगे आज हम टैक्सिला में ही एक अच्छी जगह है वहाँ से हम चपली कबाब खाएंगे तो ऑर्डर हमने दे दिए वही चपली कबाब आते हैं तो आपको फिर शश के चेक कराते हैं उसको भाई लोग तो ये चेक करें ये है चपली कबाब और इसके ऊपर ये इन्होंने फ्राई अंडा भी डाला हुआ है साथ नींबू और मिर्चें और ये साथ चटनी और नान तो काम तो फुल ढिशकम डाइट है तो आप जल्दी से इसका नज़ारा कर लें क्योंकि थोड़ी देर बाद ये सफ़ा चाट होने वाला है तो जल्दी से देख लें फिर मैं हटाने लगा हाँ तो जी भाई लोग फाइनली हम लोग घर आ गए और खाना काफ़ी खा लिया पेट में दर्द करने लगे तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा कमेंट में लाजमी फीडबैक दिया करें अपना और यार ऐसी जगहों पर जाया करें ऐसी जगहों पर प्रमोट किया करें देखें ऐसी जगहों पर जाने से ही ना आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा होगा और हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी आप लोगों को नॉलेज आएगी जैसे मेरी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है थोड़ा बहुत ही बस ज़्यादा नहीं तो और सबसे ज़रूरी बात अगर जाना है तो अपनी ट्रांसपोर्ट पे जाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट मर्ज़ी आपकी इस्तेमाल करना है तो कर लें मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपनी कार या मोटरसाइकिल पे जाएं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ बहुत महंगी है टैक्सिला में उधर तो बजट आपका है तो चले जाएं अगर नहीं है तो प्रेफरेंस अपनी व्हीकल को करें तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं मुझे दी इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ ओवर एंड आउट एक मिनट नेक्स्ट व्लॉग के लिए सजेशन लाजमी दें कि किस टाइप का व्लॉग बनाएं और अगर कहीं जाना है तो कहाँ जाएं लाजमी बताइएगा मम्मा जी ज़रा फकी तो दें हाजमे के लिए